मित्रों नमस्कार। कल लॉकडाउन की विधिवत अंत की घोषणा कर दी गई है। 8 तारीख से सब खुल गया है, बाजार खुल गया है, मॉल और रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं और अखबारों को छापने के लिए जाम हो रही सड़कों की तस्वीरें भी मिलने लगी है। देखकर लगता है जैसे महानगरी जीवन के दुख का सुख वापस लौट आया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ऐसा है नहीं। माल रेस्टोरेंट खुले हैं लेकिन अभी भी सड़कों पर लोग कम हैं। यह बात सही है कि 2.5 महीने की कैद के बाद एक बड़े हिस्से में कुछ रिहाई, खुली हवा का सुख महसूस हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद परिस्थिति बहुत गंभीर है, भारत की तो और भी। भारत में इस समय 10,000 की रफ्तार से रोजाना संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ रही है। आज ही टेलीग्राफ पे एक रैंडम सर्वे की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसमें बताया गया है कि जो सरकारी आंकड़े हैं संक्रमण के, उससे 100 से 200 गुना ज़्यादा लोग अभी से संक्रमित हो चुके हैं। ये भारत की अकेली नहीं, ये पूरे दक्षिण एशिया जो पाकिस्तान बांग्लादेश को मिला करके 170 करोड़ की आबादी का ये जो क्षेत्र है, दुनिया की का 5वां हिस्सा दुनिया की आबादी का, इस पूरे क्षेत्र में किंतु कहानी एक सी है। कोई सही सूचना न होने की वजह से जो भी रैंडम सर्वे किए जा रहे हैं उनमें यही आ रहा है कि पाकिस्तान में जैसे कहा गया कि 25 संक्रमित लोगों में से सरकार के पास सिर्फ एक की सूचना है, अर्थात 25 गुना वहाँ जो सरकारी आंकड़े उससे कहीं ज़्यादा संक्रमित है। यही बात ढाका के बारे में कही जा रही है कि ढाका में अभी लोगों के अनुमान के अनुसार 7.5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो उसी हिसाब से जो भारत में 100-200 गुना की जो बात की जा रही है, तो उसे यदि 100 गुना से देखा जाए तो उसके अनुसार अभी से भारत में 2.7 करोड़ के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं, और अगर 200 गुना मान लिया जाए तो इनकी संख्या 5.40 करोड़ हो चुकी है। इसके बावजूद इसी समय में हमारे यहाँ लॉकडाउन को खोला गया है। तो यह जो परिस्थिति है इससे कैसे निकला जाएगा? सबसे भारत के कोने कोने से, तमाम शहरों से जो समाचार मिल रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सभी जगह अब चरमराने लगी है, और स्वास्थ्य व्यवस्था का चरमराना इसका मतलब होता है कि आज जो 3% के हिसाब से मृत्यु दर दिखाई जा रही है, ये 3% तक नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ये 5% 10% तक भी जा सकती है। उसी अनुपात में, जिस अनुपात में स्वास्थ्य सुविधाओं में दिक्कतें आएगी उसी अनुपात में मृत्यु दर बढ़ेगी। तो अंतिम में जा करके स्थिति कहाँ खड़ी होने वाली है? हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार का रवैया जो है वो तो ऐसा लगता है कि उसने कोरोना की लड़ाई के क्षेत्र को छोड़कर वो भाग चुकी है। मोदी निर्विकार है, पता नहीं कौन से जगत में बैठे हुए व्यायाम वर्जिश से शायद सिर्फ खुद के लिए कोरोना से बचाव के उपायों में लगे हुए हैं।
और दूसरे उनके बाद के जो है अमित शाह, वे तो ऐसी अश्लील हरकतें कर रहे हैं कि जिनकी निंदा के लिए शब्द कम पड़ते हैं। वे अभी बिहार चुनाव में लगे हुए हैं, लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वे बिहार में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके वर्चुअल रैलीज कर रहे हैं और पूरी बेशर्मी के साथ ये दावा कर रहे हैं कि हम बिहार में 2/3 बहुमत पाएंगे। अब बताइए कब चुनाव होगा, क्या होगा, चुनाव तक क्या स्थिति रहने वाली है, चुनाव होगा भी होगा नहीं होगा, इसका भी किसी को अनुमान नहीं है, लेकिन ये उसी में लगे हुए हैं। इससे पता चलता है कि इनके यहाँ कोई जनता की जिंदगी के विषय इनकी किसी प्रायोरिटी में ही नहीं है। इनके पास प्राथमिकता सिर्फ सत्ता पर किसी न किसी रूप में बने रहने की है। ये जो स्थिति है कि आज सारी दुनिया में यह विचार का विषय है कि भाई आज के इस कोरोना काल में, इस सोशल डिस्टेंसिंग के काल में कैसे कारोबार को, उत्पादन को खोला जाए, उस पर दूसरे प्रकार से कि कोरोना से भी लड़ा जाए और साथ ही साथ उत्पादन के काबू को भी कैसे खोला जाए, यह एक चिंता का विषय है। अर्थव्यवस्था को बचाना भी है और साथ ही साथ किंतु कोरोना को भी, कोरोना के संक्रमण को भी रोकना है। लेकिन भारत में जिस समय में यह लॉकडाउन खोला गया है, उस समय यह अपने चरम पर जा रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, चरम पर नहीं, चरम तो पता नहीं है। हम बार बार कहते हैं इस बात को कि भारत में शायद सरकार का जो रवैया है उसमें इसका तथाकथित पीक 126 करोड़ के संक्रमित हो जाने के बाद ही आएगा, क्योंकि इनके पास कोई सूचना ही नहीं है, और सूचना नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके रोकने का कोई उपाय नहीं है, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, और आगे आने वाले समय में जो अराजकता यहाँ पैदा होने वाली है, तो भारत का शुमार दुनिया के उन देशों में होने वाला है या हो रहा है ऑलरेडी, आज की स्थिति में ही कहा जा सकता है, जहाँ पूरी अराजकता फैल चुकी है, जहाँ अब किसी को भी किसी सरकारी तंत्र के पर भरोसा नहीं बचा है, सरकारी सुविधाओं पर लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है, और इसकी आगे कौन सी सामाजिक परिणतियाँ होने वाली है इसका कोई भी सहजता से अनुमान लगा सकता है। अभी विकसित दुनिया में पिछले 3 जून से के पहले के 7 दिनों में संक्रमण के मामले 2 लाख बढ़े, किंतु जो विकासशील दुनिया जो है, जो गरीब देश है, उनमें इसी काल में संक्रमण की संख्या 6 लाख बढ़ी है, और उनके पास कोई इससे लड़ने के लिए सही उपाय भी नहीं है। सब सरकारों की आर्थिक दशा दिन प्रतिदिन बदतर होती चली जा रही है। भारत सरकार में मोदी के पास निजी फंड तो काफ़ी है, उन्होंने काफ़ी रुपया, हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया है खुद के लिए, लेकिन भारत सरकार की तिजोरी खाली होती चली जा रही है। उसके सारे जो कदम आर्थिक क्षेत्र में जो उठाए जा रहे हैं, उन्हीं से जाहिर है कि आगे वे न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाओं को भी देने की स्थिति में रहेगा या नहीं, कोई नहीं जानता। आज तक 2.5 महीने बीत रहे हैं, लेकिन किट्स की, स्वास्थ्य सुविधाओं की न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति नहीं हो पाई है हमेशा, और उल्टे जो है ये तमाम लोग, खासतौर पर बीजेपी के नेता, ये जहाँ पर है ये चोरी चबारी भी कर रहे हैं, इनके लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। तो ये जो है कि जैसा हम पहले ही कह चुके हैं कि जितनी अव्यवस्था बिगड़ेगी उतनी ही मौतें होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि
इसके लिए जिस प्रकार का एक डिसेंट्रलाइज्ड जो ढांचा तैयार किया जाना चाहिए था, जो प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक से लेकर के पंचायतों के स्तर तक जो सारी चीज़ें की जानी चाहिए थी, ये बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। जो पहले थी या जिन भारत के जिन क्षेत्रों में उसका कुछ ढांचा मजबूती से विकसित किया गया था, वहाँ तो वे कोरोना से लड़ पा रहे हैं, लेकिन बाकी भारत में कहीं नज़र नहीं आती है। तो ये जो बिना और जिसके कुछ हो नहीं सकता है भारत जैसे बड़े देश में, और ख़ास तौर पर जब यहाँ पर सरकार इतनी मूर्खतापूर्ण तरीके से काम कर रही है कि वो तो खुद संक्रमण फैलाने के लिए जैसे कि सुनियोजित काम कर रही है, संक्रमित लोगों को जगह जगह भेज रही है। तो ये जो स्थिति है कि हालांकि इससे जो परिस्थितियां पैदा होने वाली है, जिसके कई दृश्य दुनिया के दूसरे देशों में देखने को मिले कि यहाँ तक कि लोगों के शवों को रखने के लिए जो कॉफिन्स की कमी दिखाई देने लगी, अभी से भारत के शहरों में श्मशानों पर ख़ास तौर पर जो बिजली से जलाने की जो व्यवस्था है उन पर भारी दबाव हो गया है, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, और फिर से नए सिरे से लकड़ी से जलाने की बातें की जाने लगी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो स्थिति है कि कैसे इनके सामने कोई रास्ता नहीं है, और आज भी भारत सरकार जो आम तौर पर अर्थनीति शास्त्री जितने तमाम सुझा रहे हैं कि लोगों तक सीधे रुपए भेजिए, मुद्रा स्फीति की चिंता मत कीजिए, यह वक्त नहीं है मुद्रा स्फीति की चिंता करने का। अमेरिका जैसे में उसके मॉनिटरी बेस जो है वो करीब करीब 17 बिलियन से ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, और परवाह करके कुछ होगा नहीं, करना नहीं चाहिए। वरिष्ठ लोगों को मदद करके सीधे सीधे नकदी उन तक पहुंचा करके कोरोना से लड़ाई में भी और अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी उनको सहयोगी बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार ऐसे बैठी हुई है उस पर, उसे मतलब मोदी जो है वो एकदम चुप, उनको अकेली सिर्फ चिंता है तो अपने पीएम केयर फंड की, जिसमें ज़रूर वे इधर उधर से कुछ जुटा रहे होंगे, और चूंकि क्या जुटा रहे हैं उसका किसी को कोई अनुमान नहीं है, इसीलिए अब आज उसके कारण से आज भारत की जो दशा है, आज के ही अखबारों में वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब जीडीपी की चर्चा नहीं होनी चाहिए, अब रेट ऑफ कंट्रैक्शन की चर्चा होनी चाहिए, और उनका उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 3.2% उनके अनुमान के अनुसार से संकुचित होगी, उसका कंट्रैक्शन होगा। तो अब ग्रोथ की बात नहीं, अब संकुचन की बात हो रही है। तो ये जो परिस्थिति है, अगर संकुचन ही होता है तो और भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये ऐसे समय में एक ऐसी सरकार जिसके पास में कोई आगे का रोड मैप नहीं है, और वो भाग चुकी है क्षेत्र को छोड़ करके, अब ना तो उनके संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं, ना कोई और चीज़, ना इनके तरफ से, अब उन्होंने पूरी तरीके से राज्यों के भरोसे छोड़ के और ये सोच लिया है कि जो भी विफलता होगी, जो भयानक परिस्थितियाँ पैदा होगी, मोदी अपने प्रचार तंत्र के जरिए उसे राज्य सरकारों को, जिनके सारे आर्थिक वित्तीय संसाधनों को केंद्र सरकार ने खींच के रख लिया है, उन्हीं के सिर पर अपना उसे लाद दिया जाएगा। तो ये एक बहुत चुनौती भरी और तमाम प्रकार के तनावों से, राजनीतिक सामाजिक तनावों से भरी हुई परिस्थिति सामने दिखाई दे रही है। इसमें यदि और ख़ास तौर पर पहले से बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था में कोरोना
का प्रमुख योगदान है। और यदि कोरोना से निपटने में आप विफल रहते हैं तो आप मान लीजिए कि आप न आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं न किसी चीज को। ये जो खोलने के बाद जो सारी तस्वीरें, कुछ रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोग, सड़कों पर चलती हुई गाड़ियाँ और सड़कों पर हो रहा जाम, ये सिर्फ 2 दिन की चांदनी की तरह फोटो अप्स है। ये कोई सामान्य जीवन नहीं होने वाला है। जैसे जैसे, क्योंकि जब ये हर घर किसी न किसी संक्रमित रोगी की समस्या से जूझता होगा, तब आदमी बाजार में जाकर और इधर उधर घूमकर तफरे कर दे कभी सोचेगा भी नहीं। तो इसीलिए कोरोना से निपटना प्रमुख काम होना चाहिए जिस सरकार का, वो सरकार उसके लोग सारी चीज़ों को सील अश्लील सब भूल करके वे भद्दे तरीके से अभी चुनाव की बात में लगे हुए हैं। चुनाव को कैसे जीता जाएगा, चुनाव में धन और जो भी धन है उसका एक बड़ा हिस्सा उस पर खर्च करते रहे हैं। इनके पास धन है दुनिया का, ये वही सब लगा रहे हैं। तो ये जो जिस प्रकार की चुनौती पेश करना चाहते हैं भारत की जनता के लिए, वो चुनौती है। ये सिर्फ विपक्षी दलों के लिए चुनौती नहीं है, वे भारत की जनता को ललकार रहे हैं कि हो हिम्मत तो हमसे लड़ो, हम तो अपने प्रचार के बल पर तमाम प्रकार के उपायों से सुप्रीम कोर्ट तक को अपनी जेब में रख के, चुनाव आयोग को अपने इशारों पर चलाकर हम तो जीतते रहेंगे और तुम्हारे छाती पर मुंह दलते रहेंगे। ये जो चुनौती है जो भारत की जनता के सामने ये पेश कर रहे हैं, जनता को ही इसका उत्तर देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर राजनीतिक मंचों से इसका उत्तर मिलेगा, हम ये उम्मीद करते हैं, लेकिन मूलतः जनता को सामने आना पड़ेगा इनके घिनौने गंदे चेहरे को, सत्ता के प्रति सत्ता का लोभ जो इनमें चरम दिखाई दे रहा है उसे पहचानते हुए इनके साथ निपटना होगा। धन्यवाद।